तो दोस्तों आइए सरबजीत सिंह जी से कुछ डेयरी फार्मिंग की टिप्स लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो हमने बनाया है पंजाब के फेमस सरब चीमा डेयरी फार्म में। ये पंजाब के विलेज बजाज ज़िला जलंधर में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो है होलिस्टिन फ्रीशियन और एचएफ गाय हमें देखने को मिली हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस इस फार्म के आपके साथ शेयर किए हैं। इस वीडियो में इन्होंने कुछ टिप्स जो हैं वो फार्मर्स के साथ शेयर किए हैं। दोस्तों हमारी कोशिश है कि हम पंजाब के, हरियाणा के और देश के बाकी स्टेट्स के भी जितने हो सके डेयरी फार्म्स का, कैटल सेलर्स का, किसानों का वीडियो आपके साथ शेयर करें ताकि डेयरी फार्मिंग की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके आप तक पहुंचाई जाए। जो दर्शक चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, तभी नई वीडियोस की जानकारी पहुंचेगी आप तक सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी भाजी, की नाम थोड़ा जी? नाम मेरी सरबजीत सिंह जी। सरबजीत सिंह, ते ए अपना ए केड़ा पिंड होया जी? है ए पिंड है जी बजाज। बजाज जी, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। हाँ जी, पंजाब जी। तो ये बताओ जी, ये जो आपके पास में ये पांच छह गाय खड़ी हैं, इनकी क्या डिटेल है? अभी इनकी जो डिटेल है, ये बछड़ी जो आप देख रहे हो ये सेकंड टाइमर बच्चा दे रही है। सेकंड टाइमर ब्याने वाली है अभी ये? ठीक है। ये बछड़ी तकरीबन फर्स्ट लैक्टेशन में इसने दिया है 26-22 लीटर दूध। अच्छा, इस बार सेकंड बार बच्चा देगी, तकरीबन 35 किलो का रिकॉर्ड हम आते हैं इसका ही देगी, क्योंकि इसका जो सेहत है बहुत खूबसूरत और जानदार है। अच्छा, ये 30-35 किलो दूध देने की उम्मीद रखती है। तो इसकी कीमत कितनी होगी लगभग? इसकी जो कीमत है आप तकरीबन 70 के आसपास मानिए जी। 70,000 के आसपास जी। और इधर ये जो पीछे गाय खड़ी है जी, ये वाली, ये बछड़ी अभी 4 लाख है जी। ये 4 लाख बहुत शांत वाला है इसका, तो क्वालिटी एक नंबर है जी। अच्छा, बहुत शरीफ है गाय, है सेकंड टाइमर लेकिन है 4 लाख। खीरी ने पहले बेहतर में बच्चा दिया था, अभी ये दूसरा लैक्टेशन है इसका। अच्छा, और अभी इसमें तकरीबन 15 दिन पड़े हैं बच्चा देने। ये कितना दूध देने की उम्मीद रखते हो? ये भी सर जी 30+ जाएगी। 30 के आसपास की है ये। जो देने वाला मैं वो बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कम नहीं बता रहा, जैसे 40-45 लीटर नहीं बोलूँगा, जो जो सही जो जायज दूध ये देगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये 30 किलो वाली के लिए आप कितना फीड मानते हो, क्या क्या देना चाहिए इसको? सर जी इनको तकरीबन दिन में 8 से 9 किलो फीड तो चाहिए। 8-9 किलो तो फीड चाहिए जी। और बाकी चारे में क्या चाहिए? चारे में इनको साइलेज अगर कोई किसान भाई डालता है वो बढ़िया, नहीं तो नॉर्मली बरसीम और मक्की पाई चले जाएगा। अच्छा, जो है ये साइलेज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बाकी बरसीम और मक्की जो भी है चल जाए। और गाय की सेहत के लिए आप इनको और भी, जैसे गर्मियों में सरसों का तेल दे देते हैं, और सर्दियों में चलेगा जो घी होता है अपना डाल। अच्छा, उसके अलावा कैल्शियम और मिनरल वो तो देने चाहिए, वो तो फीड में हम ऐड कर लेते। अच्छा, कैल्शियम मिनरल तो है ही है, उसके लिए कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम मिनरल कितने परसेंट कैसे दिया जाता है? कैल्शियम का सर जी ऐसे रहता है, क्वालिटी अगर कैल्शियम की अच्छी है तो फिर तो आपका 200 ग्राम से भी काम चल जाएगा। जो अच्छी कंपनी जैसे ऑस्ट्रोवेट है तो वो तो कम देने से भी काम बन जाता है। अगर हल्का होगा फिर आप उसकी जो मात्रा बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो और क्या ध्यान रखना चाहिए? गर्मी के अंदर तो फोगर पंखों की ज़रूरत आप बताते हो, तो सर्दी में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सर्दी में जैसे इनके रख रखाव में ये होता है, ये बाहर की ब्रीड है, फॉरन ब्रीड है, इनका जो टेम्परेचर है अगर हो तो लो में आता है, जैसे तकरीबन 100 से नीचे आ गया, तो उसमें इनको जैसे टीके लगेंगे ताकत के, जैसे टोनोफास्ट मान लो आप एक टीका है इनका, और भी कुछ इंजेक्शन जो इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करें, तो वो इनको लगाने पड़ते हैं। वैसे इनको सर्दियों में दिक्कत कोई ज़्यादा नहीं आती इन गायों को, सर्दी में ये राजी रहती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं। गर्मी में इनका थोड़ा सा रखरखाव है जो देखना पड़ता है क्या है क्या है। ये जो छोटी सी गाय दिख रही है जी, ये पीछे ये क्या डिटेल की रखती होगी? अरे ये बछड़ी 2 दांत है।
दो दांत बछड़ी पहली बार की भी है ये? हाँ जी, पहली बार इसने बच्चा दिया, कल ही जन्मी है। देखो अच्छा, एक दिन की है ये? हाँ जी। कितनी इसकी खीस खाली की है जी? तकरीबन अभी इसका 18 किलो के आसपास खीस आ रहा है। 18 किलो के लगभग इसने खाली किया है, 25 किलो के करीब जा जाएगी। 25 किलो दूध देने वाली गाय है। साथ में ये काफ क्या, फीमेल है? मेल है, फीमेल है। फीमेल काफ साथ में है? सभी तकरीबन फीमेल काफ ही मिलेगी हमारे पास, क्योंकि हम लेते हैं वही गाय जो सेक्सी मन से तैयार हुई। तकरीबन फीमेल काफ ही मिलेगी। अच्छा, इसलिए ज़्यादा फीमेल काफ आ रहा है। ठीक है, ये क्या डिटेल रखती होगी जी ये गाय? ये भी गाय ताली जानी है जी, इसका भी फीमेल का है। तकरीबन इसको तीसरा दिन जी बच्चा दिए। अच्छा, बहुत शाम से वापस जाएगा। ये क्या, ये भी फीमेल काफ है? ये भी फीमेल काफ है जी। तो ये कितनी एवरेज वाली है? ये भी सर जी 25 किलो के करीब दूध देगी। अभी इसका 20 प्लस तो रेडी होगा। 20 प्लस रेडी है? हाँ जी, आपको दूध निकाल के भी दिखाएंगे बाद में। अच्छा अच्छा, ये कितनी कीमत की होनी चाहिए? ये भी नियर अबाउट सर जी 60 के आसपास होगी। हाँ जी, 60,000 के आसपास होगी। 60,000 के लगभग मिलती है ये। ये कितनी उम्र की हो गई जी? ये फर्स्ट लैक्टेशन है अभी, ये चार दांत में पहला। हाँ जी, पहली बार बच्चा दिया। ये कितने दूध देगी? अभी इसका भी 16-17 लीटर खीस है, ये ताली जानी है। तकरीबन 20 के आसपास पे जाएगी। ये भी 20 लीटर वाली एवरेज गाय है। हाँ जी। और ये जो दिख रही है जी, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन है जी गाय। ये फर्स्ट लैक्टेशन की है। ये भी इम्पोर्टेंट सीमन से तैयार हुई है, तकरीबन 22 महीने की। अच्छा, ये 22 महीने में तैयार हो गई है, इम्पोर्टेंट सीमन था इसलिए। ये कितना दूध देने की उम्मीद रखती है? ये भी तकरीबन फर्स्ट एक्सपेक्टेशन में सर जी 20 किलो के आसपास। मतलब ये 20 किलो वाली एवरेज गाय है सारी ये? 18-20 किलो इसकी एवरेज आ जाएगी। ये बच्चा भी फीमेल है? हाँ जी, इसका भी फीमेल है जी। अच्छा, तो ये गाय कितने दूध वाली होगी जी? ये सर जी 30+ वाली। ये 30+ वाली है? 22-23 लीटर के ये कितनी कीमत की होगी जी? ये आपको 70 तक प्रोवाइड करवाएंगे किसान। ये 60,000 के आस 70,000 के लगभग है ये। ये ताली जानी है अभी, इसीलिए थोड़ा बच्चे के लिए कर रही हूँ, घबरा रही Thank you.
कितना 2 लीटर है जी? 2 लीटर है जी, 2 लीटर जी, दिखा दो 2 लीटर। हाँ लो भाव जी, ये 2 लीटर है जी। ठीक है जी, हाँ 2 लीटर। दो जी, तीन पांच साढ़े पांच साढ़े पांच 11 किलो 11 किलो टाइम 11 किलो दिता ने एक टाइम का। हाँ जी, ये कितने दिन की हुई है जी? आज रोज 5 दिन हो रहा 5 दिन की हुई जी।